तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स, साइंस में जो फिजिक्स है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी साथ में चाहिए तो मैं इन सब के ईयर यहाँ पर लिख रहा हूँ और नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपको जो है ईयर वाइज सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनके सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइज, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। गाइज एक नंबर में एक क्वेश्चन आता है जिसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये 5 एंड 1 6 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो 2018 में आया था एक साथ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं गाइज, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद डायग्राम। 5 मार्क्स क्वेश्चन है, 2018 में ये आया था, आप इसे जरूर पढ़ ले क्योंकि इसके बहुत ज्यादा चांसेस है 2020 के बोर्ड एग्जाम में आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन आर्मेचर ब्रशेस स्प्लिटरिंग। ये इसी का एक पार्ट है। अगर ये क्वेश्चन के साथ ये दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके साथ जो है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 2018 में, जो कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग के साथ आएगा। तो इन तीनों की जो वर्किंग है वो जरूर याद कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा चांसेस है 2020 में आने के फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड्स। इसमें बताना है कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, किन जो फैक्टर है उन पर डिपेंड करता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में आया था, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है आने के 2020 में। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई आर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, 2018 में ये आया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का ही बी पार्ट है, व्हाई आर एलॉय कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, गिव रीजन। 1 मार्क क्वेश्चन है, 2018 में आया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर एक बार पढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर कर लेना, ये भी 2018 में आया था। क्वेश्चन 7, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। 5 मार्क्स क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस है 2020 में आने के, तो इसे जरूर एक बार जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ द इमेज फाउंड वाया स्पेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वट टाइप ऑफ मिरर इज इट, ड्रॉ लेबल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। 3 मार्क क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैंने 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक बताए हैं उनको जरूर एक बार पढ़ लें, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 2018 में आए थे, जिनके सोल्यूशन की लिंक मैंने नीचे दे दी है डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन कलर ऑफ द सन एज इट अपियर ड्यूरिंग सनसेट सनराइज एंड नून। 4 मार्क्स क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2015 में आए थे, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है 2020 में दोबारा रिपीट होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस, डिफाइन SI यूनिट। 2 मार्क्स क्वेश्चन है, वैसे तो अभी 2 मार्क्स क्वेश्चन आते नहीं है लेकिन चांसेस है इसके 1 मार्क में भी बहुत ज्यादा आने के, तो इसे जरूर कर लेना, 2015 में ये आया था। उसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम टू इलस्ट्रेट द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाई इज इसेंशियल दैट द टू प्रिज्म यूज फॉर अ पर्पज शुड बी आइडेंटिकल एंड प्लेस्ड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, 5 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 5 मीटर, लिस्ट टू पॉसिबल रीजन्स ड्यू टू विच दिस इफेक्ट ऑफ विजन मे वी हैव अराइजन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम एक्सप्लेन। इसका ए पार्ट है, वाई द स्टूडेंट इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आइज। जो स्टूडेंट है वो अब देख नहीं पा रहा है जो ऑब्जेक्ट है उसके आंखों से 5 मीटर दूर, तो इस पे ये जो है किस बीमारी से गुजर रहा है, तो उसके बारे में आपको इसमें बताना है। इसी का जो बी पार्ट है वो यहाँ पर है, इफ इन दिस केस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्टिव लेंस इज 5 मीटर, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस एज पर द न्यू
कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। 5 मार्क्स क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया था। तो वीडियो की जो फर्स्ट पार्ट है वो अभी खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट बी के साथ, फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो अभी तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।